अभी के बाद आ रहा हूं मैं आपसे वन टू वन। हाय गाइज, कैसे हैं आप सब दोस्तों। स्वागत है आपका अपना चैनल पीएमसी मीडिया में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे हिमेश रेशमिया स्टारर मूवी यक्ति जनवरी को रिलीज हैप्पी हार्डी एंड हेयर के टोटल 6 डे के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, और साथ ही साथ दोस्तों बताएंगे यह फिल्म इंडिया वर्ल्ड वाइज में कितनी स्क्रीन पर रिलीज हुई और इस फिल्म को हिट होने के लिए कितना बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन करना है। तो दोस्तों देखते रहेगा पूरा वीडियो। दोस्तों, अगर आप भी रियल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट डालें आप तक पहुंच जाए सबसे तेज सबसे पहले। दोस्तों, फिल्म को डायरेक्ट किया राका, फिल्म के प्रोड्यूसर हैं दीपशिखा देशमुख। अगर बात की जाए इस फिल्म की मेन स्टार कास्ट की, तो इस फिल्म में मेन स्टार कास्ट में दिखेंगे बॉलीवुड के जाने माने सिंगर हिमेश रेशमिया और सानिया मैम। दोस्तों, सानिया मैम पहली दफ़ा बॉलीवुड में डेब्यू कर रही हैं। दोस्तों, इस फिल्म में म्यूजिक दिया है हिमेश रेशमिया, लिखा भी है हिमेश रेशमिया। दोस्तों, अगर बात की जाए इस फिल्म की जर्नल की, तो यह फिल्म ड्रामा रोमांस पर आधारित है। इस फिल्म की रन टाइम काफ़ी कॉस्टली और काफ़ी छोटी रखी गई है। इस फिल्म की रन टाइम है लगभग 123 मिनट, जो कि काफ़ी परफेक्ट बैठती है। दोस्तों, अगर बात की जाए इस फिल्म के बजट की, तो दोस्तों आपको बताते चलें यह फिल्म बनकर तैयार हुई लगभग 22 करोड़ के बजट में, और वहीं इस फिल्म की कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग यानी कि प्रमोशन में खर्च किए गए हैं लगभग 3 करोड़। टोटल इस फिल्म के बजट होते हैं लगभग 25 करोड़। दोस्तों, अगर बात की जाए इस फिल्म की पर डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो उससे पहले जान लेते हैं इस फिल्म की स्क्रीन के बारे में, यानी कि यह फिल्म इंडिया वर्ल्ड वाइज में कितनी स्क्रीन पर रिलीज हुई। तो दोस्तों आपको बताते चलें, ऑलरेडी ताना जी और स्टटी डांसर और पंगा जैसी पिछले हफ्ते में फिल्में रिलीज हुई थी, वो फिल्म सिनेमाघरों में अच्छी तरह से पकड़ बनाए हुए हैं और अच्छी तरह से बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन भी कर रही हैं, इसलिए इस फिल्म को उतना स्क्रीन नहीं मिल पाई जितना उम्मीद थी। साथ ही साथ इस फिल्म के साथ क्लैश थी सैफ अली खान स्टारर मूवी जवानी जाने मन के साथ, इसलिए सबकी स्क्रीन आपस में बढ़ गई। जिस हिसाब से इस फिल्म को उम्मीद थी स्क्रीन की, उस हिसाब से इस फिल्म को स्क्रीन नहीं मिला। इस फिल्म को इंडिया में रिलीज किया गया है लगभग 650 स्क्रीन पर, ग्रॉस यानी कि वर्ल्ड वाइज में इस फिल्म को रिलीज किया गया है लगभग 150। टोटल इस फिल्म की स्क्रीन होते हैं लगभग 800। दोस्तों, अगर बात की जाए फिल्म पर डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो इस फिल्म ने पर डे इस फिल्म ने इंडिया में कलेक्शन किया था लगभग 80 लाख के आसपास, ग्रॉस कमाया था लगभग 15 लाख के आसपास। दूसरे दिन थोड़ा सा ग्रोथ देखने को मिला, इस फिल्म में दूसरे दिन इंडिया में कलेक्शन किया था लगभग 95 लाख के आसपास, वहीं ग्रॉस से कमाया था लगभग 20 लाख के आसपास। तीसरे दिन संडे होने के कारण थोड़ा सा ग्रोथ देखने को मिला, तीसरे दिन इस फिल्म ने इंडिया में कलेक्शन किया था लगभग 1 करोड़ 10 लाख का, वहीं ग्रॉस से कमाया था लगभग 25 लाख के आसपास। चौथे दिन यानी कि सोमवार को इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में थोड़ा सा गिरावट देखने को मिली। सोमवार को इस फिल्म ने इंडिया में सिर्फ 70 लाख का बिजनेस किया, वहीं ग्रॉस से कमाया था लगभग 17 लाख के आसपास। बात की जाए पाँचवें दिन यह फिल्म इंडिया में कलेक्शन किया लगभग 75 लाख के आसपास, ग्रॉस कमाई थी लगभग 20 लाख के आसपास। छठवें दिन यह फिल्म इंडिया में कलेक्शन कर सकती है लगभग 70 लाख के आसपास, ग्रॉस कमा सकती है लगभग 15 लाख के आसपास। दोस्तों, इस फिल्म के टोटल 6 दिनों में इंडिया वर्ल्ड वाइज कलेक्शन होते हैं लगभग 7 करोड़ 30 लाख का। दोस्तों, अगर बात की जाए इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस पर हिट होने के लिए कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करना है, तो दोस्तों आपको बताते चले इस फिल्म ने अपने राइट्स काफ़ी बढ़िया दाम में बेचे थे, चाहे वो डिजिटल राइट्स हो, सेटेलाइट राइट्स हो या म्यूजिक राइट्स हो, इसलिए इस फिल्म को ज़्यादा कुछ नहीं करना है अपने आप को बॉक्स ऑफिस पर साबित करने के लिए। यह फिल्म अगर कम भी बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन करती है तो भी ये फिल्म मुनाफे में रहेगी। दोस्तों, अगर बात की जाए फिल्म को हिट होने के लिए कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करना है, तो दोस्तों आपको बताते चले अगर यह फिल्म इंडिया वर्ल्ड वाइज से 40 करोड़ प्लस का बिजनेस करती है, तो ये फिल्म का हिट का वागेट पालेगी। दोस्तों, क्या लगता है फिल्म कितना बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन कर सकती है, जो भी हो कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, ऐसी अगर रियल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आप जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों, हमारे चैनल से बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।